अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, हमारे खसूसी मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से नदीम साहब। माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब से हम जीवन को लगा रहे हैं तब से हमारी गपशप है और बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, भाइयों जैसा ताल्लुक है। और अबू बकर भाई हैं आज हमारे पास एज ए मेहमान खसूसी तशरीफ़ लाए हैं, उनकी मोस्ट वेलकम और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतने दूर दराज इलाकों से हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमें इस काबिल समझा। तो भाई नदीम साहब से हम पूछते हैं कि उनके माइंड में कुछ सवाल हैं तो वो कुछ हमारे साथ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप भजन सर बोलो। साहब थोड़ी मेहरबानी, तुम अपना कीमती टाइम समझ दिता। थैंक यू, ठीक है, मोस्ट वेलकम। दूसरा नंबर सूफ साहब, मैं थोड़े को पंजाबी जी सवाल पूछना चाहना, जीवन ला के घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए? ये तो लगता है जिवें इमरान खान नूं बाज़ दफ़ा ना लोग ते लेडीज़ ते जेंट्स जिहड़े ने ना पार्टी ते पुछदे ने कि असी थोड़ा जिहा उहनूं जी घबरा लईए या कि अजे ज़रा सबर ये रखिए। सब रखिए। ते गल इस तरह है नदीम साहब, तुहाडा अच्छा क्वेश्चन है। हर तीसरा आदमी हुणे सोच रहा सी कि सानू मतलब ये घबराना चाहीदा है या कि जीवन दा की बनेगा। एक्चुअली उहनां कोल कोई रूट मैप नहीं सी। ये तो असी शुक्रिया अदा करने हैं सूफी एग्रो फार्म के पार्टनर गुरेज शहजाद साहब का, कि उन्हें एक तो वो यूके नेशनल ने, लोकलाइजेशन है उन्हें को, दूसरा है कि वो एग्रोनोमिस्ट ने ज़रात दे, तीसरा है कि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके नाल समझते हैं। फिर जीएस एग्रीमेटिक्स फार्म जोड़ा है ये यूके दे विच रजिस्टर्ड कंपनी है, इस वास्ते एक्सपोर्ट के हवाले नाल उन्होंने कोई इशू नहीं। और वो मेरा ख्याल है कि लिंक वन की काविश बहुत अच्छी सी, नाल साढ़े शामिल होने नाल इंशाल्लाह ताला होर बूस्ट मिलेगा और उम्मीद है इंशाल्लाह कि विद इन 2 वीक्स जोड़ा है यदि सैंपल्स जोड़े ने वो कंप्लीटली इंग्लैंड चले जाएंगे और अगले 1 तो 2 महीने के दरम्यान इंशाल्लाह ताला यदि बाकायदा शिपमेंट का आगाज हो जाएगा। और मेरे इंशाल्लाह ख्याल नाल जेड़ा अगे रूट मैप कोई नहीं सी उदों तो घबरा लेना चाहिए सी, तो हुण घबराना नहीं बल्कि जो घबराने की कोशिश कर रहे थे वो भी अब स्टेबल पाँव पे खड़े हों, और जो जीवन समझ रहे थे और मनफी प्रोपोगंडा करते थे उनको मेरा ख्याल है आंसर मिल गया है कि जो जीवन की असल बुलंदी है उस तक ये जीवन जाने वाला है। और लोगों के पास मौका है, जीवन को लगाएं, इसको उगाएं, मुल्क की एक्सपोर्ट में इजाफा करें, आप भी खुशहाल हों, मुल्क पाकिस्तान भी खुशहाल हो। थैंक यू सो मच। हुण आने वाले टाइम च किन्ना बीज लगना चाहिए 1 एकड़ दे विच, क्योंकि असीं माल एक्सपोर्ट करना है, उन्दे विच एक सैज हुंदा है, उस सैज की होना चाहिए है और किन्ना बीज लाना चाहिए है ते किस तरीके नाल लाना चाहिए है, जरा इन्दे ते भी रहनुमाई फरमा दिओ। थैंक यू सो मच नदीम साहब। एक्चुअली पहले तो असी सीड तैयार करते सी कि असी एज ए सीड बेचना है और बेतहाशा खादा और कैमिकल और की पा के जिन्ना यदा साइज मोटा होएगा वड्डा होएगा उन्ना साडा रेवेन्यू वधेगा। लेकिन एक्चुअली बजाय इस दे कि असी बहुत ज़्यादा खादा पा दईए, असी एक रूट मैप तैयार किया है उहदे मुताबक अगर 1 एकड़ दे विच पहले तुसी 12 इंच दे बैड दे उत्ते 2 पौधे लांदे सी 8 इंच दे, ते हुण तुसी 3 पौधे वधाओ कि जिथे अगे तुहाडा 60,000 पौधा लगता सी हुण तुसी 90,000 पौधा करो। ठीक हो गया। जदों 90,000 पौधा होएगा और इहनूं मुनासिब जी तुसी खुराक दोगे तो इहदा एक एवरेज साइज बनेगा, और अगे पहले अगर 8 टन निकलता सी तो हुण 12 टन तुहाडा फ्लड इरीगेशन ते भी आएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जिन्ने तुहाडे नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होणगे और उन्हां दा साइज प्रॉपर होगा, बीज तुसी सॉर्ट करके लाओगे ए बी सी ग्रेड करके, मेरे ख्याल नाल उन्नी तुहाडी पैदावार भी ज़्यादा आएगी, तुहाडा साइज और क्वालिटी भी बनेगा, और बर वक्त अगर तुसी इहनूं इहदी पटाई करदे हो हारवेस्टिंग करदे हो तो इहदे नाल उहदी क्वालिटी भी बेहतरीन रहेगी इंशाल्लाह ताला जी। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी सुरेश साहब तुहाडी, कि तुसी सानूं अपना कीमती टाइम दित्ता, बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया साहब। थैंक यू सो मच जी साहब, बहुत मेहरबानी, फिर माना।